देखिए आज का ये जो इलेक्शन था, मैं सबसे पहले मंडी DDC कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट के तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के और हमारे हक़ में किया है, मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके साथ साथ अपने जो साथी जिन्होंने मेहनत की उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्टीमेटली जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है, और लोगों का जो मैंडेट होता है हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है और उसी के साथ चलना पड़ता है। मैं आज के दिन मीडिया के लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे से जो है इस इलेक्शन प्रोसेस को चलाया। और ख़ास करके मैं कहूँगा कि जो दूर दराज के हमारे लोग हैं जिन्होंने ये वोट डाला, और मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद से बढ़ के उन्होंने वोट डाला, और जो एक नफ़रत की दीवार इस रियासत में खड़ी की जा रही है, लोगों ने ये वोट नफ़रत की दीवार के ख़िलाफ़ डाला है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जितने हमारे साथी यहाँ पे हमारे साथ हैं जिन्होंने ये इलेक्शन जीता है, मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये जीत हमारे साथियों की है, जिन साथियों ने मेहनत की, अपनी मेहनत की उनके बलबूते पर हम यहाँ पहुँचे। और बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने डे नाइट बिल्कुल सोए नहीं, अपने साथ खड़े रहे। मैं कहूँगा कि मुझे कंपेन का उन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया, उन्होंने बहुत सी ऐसी जगहों पे जिन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप यहाँ मत आइए, हम यहाँ पे लगेंगे क्योंकि ये आपका इलेक्शन नहीं है, हमारा इलेक्शन है और ये हमारी माँ खड़ी है। और उससे ज़्यादा मैं अपने आप को क्या खुशनसीब समझूँगा कि हमारे जो कैंडिडेट थी वो उसको सब ने अपनी माँ समझा और कहीं भी कंपेन के लिए उनको जाने नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है मंडी के लोगों की कि उन्होंने ये हर जगह से मुझे आवाज़ आई कि आप हमारी माँ को जो नहीं लाइए, ये वोट हमने अपनी माँ को डालना है। उनमें पिछले इस करके जो हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ अब मेरे इंटरव्यू से बेहतर है आप उनका इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि वही असली इसके हकदार हैं आपको जवाब देने के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ किया। मेरे अभी यहाँ सारे साथी नहीं है, कुछ साथी यहाँ पे हैं, बिलाल साहब हैं, अपने आद साहब हैं, बहुत से। मैं आपको बताऊं कि पहली बार ये हुआ है कि ये मैं नहीं कहूँगा कि एक एरिया से मुझे वोट मिला है, हर एक पंचायत से, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी। लोग हमें कह रहे थे कि आपको आज़माबाद से वोट नहीं मिलेगा, कमाल है, आज़माबाद से तो मैं 50% से ज़्यादा वोट लिया हमने, तो लोगों ने हमें उम्मीद से ज़्यादा दिया। और लोग जहाँ मैं डराते थे, नहीं जी वो चला गया, ये चला गया, फलाना चला गया, ये इम्तियाज़ बांडे साहब को कहते थे जी वो चला गया, ये चला गया, तो इसके स्टेशन पर तो 70% वोट हमें मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जीत है, हमारे साथियों की जीत है, और जो ये लोग इसके साथ जुड़े उनके साथ जीत है, और ये मीडिया की जीत भी है, क्योंकि मीडिया ने भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें अपनाया। उन्होंने जिस तरीके से अपना कन्वेंशन रखा और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया इस इलेक्शन को मीडिया ने, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अभी काउंटिंग का प्रोसेस फाइनल स्टेज पर है, और कल या परसों सबसे पहले मैं मीडिया के हवाले से तमाम उन साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से ये कामयाबी हुई है। और हमारे पार्टी की लीडरशिप को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंस रखा, उस कॉन्फिडेंस पे हमारे लोगों ने पूरा उतरे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।